वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टोफू की सब्ज़ी बनाऊंगी। टोफू सोयाबीन के दूध से बनता है और आप जैसे दूध के पनीर यूज करते हैं उसी तरह इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूध वाले पनीर से ये कई गुना हेल्दी होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, और ये प्रोटीन रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें होता है। तो आज सब्जी बनाएंगे तो चलते हैं किचन में। टोफू सोयाबीन के दूध से बनता है। ज़्यादा तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए टोफू बेस्ट ऑप्शन है, टोफू खा सकते हैं। तो मैं टोफू बनाने के लिए जो मसाले ली हूँ वो सब दिखा दे रही हूँ आपको। आधा छोटा चम्मच मेथी दाना ले लेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे, आधा चम्मच काली सरसों है, आप राई भी ले सकते हैं, आधा चम्मच और ये सौंफ है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा है, इसे पंचफोरन मसाला बोलते हैं। इसमें से अगर एक आध दो मसाले आपके पास नहीं होंगे तो भी चलेगा, सिर्फ जीरा से भी बना लें, लेकिन इस पंचफोरन मसाले से सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। किसी भी सब्ज़ी में आप डाल सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो। मैं ज़्यादा बना के रख लेती हूँ एक डिब्बा भर के, तो हम मिलाकर डालते रहते हैं, इसलिए आपको अलग अलग दिखा दिए हूँ कि आपको समझ में आ जाए पंचफोरन किसे कहते हैं। तो मैं इसका तड़का लगाऊंगी। कुछ खड़े मसाले ले ली हूँ मैं, एक तेज़पत्ता, चार पांच काली मिर्च जिसे ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, और चार पांच लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची है। अगर समय पर उपलब्ध हो तो ज़रूर डालें, नहीं तो आप एक चम्मच भर के गर्म मसाला डाल दें। खड़े मसाले का स्वाद कुछ अलग ही होता है, इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। दो चम्मच भर के लहसुन और दो हरी मिर्च, एक इंची अदरक का टुकड़ा लेकर मैं पेस्ट बना ली हूँ। आप चाहें तो ग्रेट करके डाल सकते हैं, बारीक बारीक काट लें उसे भी डाल सकते हैं। दो मीडियम साइज के प्याज और दो टमाटर अच्छी तरह से धोकर मैं काट ली हूँ। काटने से पहले सब्जियाँ धो लें पहले। टोफू को मैं काट ले रही हूँ छोटा छोटा टुकड़ा, अपने मन चाहे पीस कर लें। अब इस तरफ से काट लेंगे। इस तरह के टुकड़ा मैं कर ली हूँ, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। टोफू की सब्ज़ी बनाते वक्त आप ध्यान दें, जिनको तेल घी बटर से परहेज है तो कम से कम तेल डालें, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए टोफू बहुत अच्छा है, बस तेल वगैरह कम डालें। ये आयरन प्रोटीन रिच है, लो कोलेस्ट्रॉल है, बहुत फ़ायदा करता है। और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मैं आप सबसे अपील कर रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गैस पर एक कढ़ाई पैन जिसमें आप बनाना चाहें वो रख लें, एक कलछी भर के मैं तेल डाल दे रही हूँ। आप तेल अपने मनपसंद कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही तेल गर्म हो जाए जो मैं ये पंचफोरन रखी थी इसे डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा इसे पकने देंगे, फ्लेम लो रखें तो मसाले जलेंगे नहीं। जैसे ही थोड़ा सा मसाले पक जाएंगे इसमें करी पत्ता डाल दूँगी। जैसे ही ये मसाले हल्का पक जाएं, इसमें मैं तेज पत्ता, दालचीनी टुकड़ा और ये लौंग और ये काली मिर्च इसे डाल दे रहे हैं। ये बड़ी इलायची को खोल कर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। जैसे ही मसाले थोड़ा पक जाए प्याज डाल देंगे, प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। लहसुन अदरक हरी मिर्च के पेस्ट डाल देंगे, एक मिनट पका लें, उसके बाद टमाटर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल देंगे। मसालों को भूनेंगे
अच्छी तरह से, जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे तभी सब्जी बढ़िया बनती है। और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए उसके लिए 2 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालकर मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच से ऐसे मैश कर देंगे, एकदम मैश हो जाएगा, टमाटर गल जाता है ना। लेकिन अभी इसे 2 मिनट तक और भूनूंगी, मसाले पके नहीं हैं अच्छी तरीके से। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप ध्यान दें इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च भी डली है, इसलिए मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। मसाले बहुत बढ़िया से भून चुके हैं, इसमें तेल दिख रहा है। जब मसाले तेल रिलीज कर दें समझ लो पक चुका है, इकट्ठा हो रहा है और कढ़ाई में फिसल भी रहा है। जब इस तरीके से कढ़ाई में मसाला फिसलने लगे तब समझ लो कि हमारा मसाला तैयार है। इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी खाना चाहते हों ज़्यादा पानी डाल दें, अगर कम खाना चाहते हों तो कम डाल दें। अब हम इसमें टोफू डाल देंगे जो काट के रखे थे और मिला लेंगे। सबसे पीछे लास्ट में आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आप गरम मसाला डालना चाहते हो तो इसी वक्त डालें लास्ट में। अगर पहले ही डाल देते हैं गरम मसाला जो पाउडर आता है तो उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, उतना टेस्ट नहीं आता है, इसलिए आमचूर पाउडर और गरम मसाला लास्ट में डालें। सब कुछ मसाले वगैरह मिलाकर 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सभी मसालों का फ्लेवर टोफू में घुल मिल जाए। लेकिन गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे सब्जी आपको पसंद हो उस तरह से कर लें। टोफू की सब्जी रेडी है। ये तेज पत्ते को निकाल देंगे, इसने अपना फ्लेवर सब्जी में रिलीज कर दिया है। आप इस तरीके से सब्जी बनाएं, पानी कम ज़्यादा कर लें जितना आपको पसंद हो। इस तरीके से आप सब्जी बनाएं, इसे रोटी परांठा जैसे भी आपको अच्छा लगे उसके साथ खाएं, बहुत हेल्दी है ये। तो आपको कैसे लगी ये टोफू की सब्जी? पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरीके से बनाएं, खाएं और स्वस्थ रहें। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।